आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड गाइज। सो या मैं अभी थोड़ा मार्केट जा रही हूँ, थोड़ा कुछ काम है और थोड़ा डिनर भी करने जा रही हूँ। तो आज मैं बहुत दिन के बाद जा रही हूँ, तो मैंने सोचा चलो एक छोटा सा ब्लॉग बना लेते हैं। तो चलो मैं पूरी रेडी हूँ, एंड या कॉमेंट करके जरूर बताना मैं कैसी लग रही हूँ। और ये वाला मेकअप का जो ट्यूटोरियल है शॉर्ट वीडियो में मैंने अपलोड कर दिया है, आप जरूर देखना। तो चलो फिर देखते हैं मैं क्या क्या शूट करती हूँ, कितना मुझसे पॉसिबल हो पाता है। तो मैं अभी घर से बाहर निकल गई हूँ और अभी जो है मैं अपना जो डोर है वो मैं लॉक करूंगी, ठीक है? हो गया है लॉक और अब मैं जाऊंगी अपने लिफ्ट से, अब नीचे जा रही हूँ। तो गाइज मैं लिफ्ट के अंदर आ चुकी हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो मैंने बंद कर दिया है। और ये आई थिंक मेरा फर्स्ट ब्लॉग है जो मैं बाहर कहीं जा रही हूँ तो बना रही हूँ, है ना? तो देखते हैं कितना हो पाता है, कैसा हो पाता है। गाइज मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना मेरा ये ब्लॉग कैसा है, क्योंकि मेरी एक दोस्त है उसने मुझे बहुत बोला कि तुम ब्लॉग बनाया करो बनाया करो, तो इसलिए मैंने सोचा चलो एक ट्राई करते हैं। बाय द वे मैं लिफ्ट भी हूँ इसलिए थोड़ा धीरे बोल रही हूँ। मैं अभी यहाँ लिफ्ट से निकल गई हूँ और अब हम सीधा जो है रेस्टोरेंट की तरफ चलेंगे। तो ये देखिए आप, मेरे घर से निकलते ही हम लोग सीधे हाईवे पे पहुँच जाते हैं, तो कुछ इस तरह का नज़ारा होता है रात का। तो आप भी देखो भुवनेश्वर में रात में कैसा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम लाइटिंग रहती है चारों तरफ। और सबसे बड़ी बात यहाँ की रोड बहुत अच्छी है, हाईवे भी सीधे रहता है। तो इस तरह से मैं जो है रेस्टोरेंट पहुँच गई हूँ गाइस। और ये जो है रेस्टोरेंट ऊपर है और रेस्टोरेंट का नाम है सिल्वर स्टेक। अगर कोई भुवनेश्वर का होगा उड़ीसा का होगा तो उसे रेस्टोरेंट के बारे में पता होगा। यहाँ पे नीचे में एटीएम वगैरह है एंड या इसके ऊपर जो है वो रेस्टोरेंट है। यहाँ मैं पीछे अपने हस्बैंड को देख रही थी कि वो आ भी रहे हैं या नहीं, क्योंकि वो पार्क कर रहे थे ना गाड़ी। तो बस अब हम यहाँ से ऊपर जाएंगे अपने रेस्टोरेंट की तरफ। तो कुछ इस तरह से ऊपर का दिखता है और यहाँ मेरे भी प्यास घना रहे हैं। तो गाइस घुसने के बाद कुछ इस तरह से रेस्टोरेंट दिखता है, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है और इसकी सर्विस बहुत अच्छी है। सॉफ्ट सॉफ्ट म्यूजिक बजता रहता है हमेशा, आपको बहुत मजा आएगा। फाइनली हम लोग आ गए हैं रेस्टोरेंट में जहाँ हमें आना था और खाना वगैरह भी हमने ऑर्डर कर दिया है। देखते हैं क्या आता है, आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि मैंने क्या ऑर्डर किया है। तो चलो कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। तो गाइस खाना वाना ऑर्डर करने के बाद जो थोड़ा सा टाइम मिलता है उसमें मैंने सोचा चलो रील वीडियो बनाते हैं। अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो आप मुझे वहाँ फॉलो कीजिए, वहाँ आपको बहुत सारे वीडियोस मेरे देखने को मिलेंगे। तो गाइस हमारा सूप जो है वो पहले आ गया है, आप देखो दिख रहा होगा। एक मिनट, कौन सा सूप है अमित? बर्न गार्लिक सूप। कौन सा? बर्न गार्लिक सूप है। एक्चुअली जब ये ऑर्डर करे थे तो मैं ध्यान नहीं दे रही थी, मैं वीडियो बना रही थी, इसलिए मुझे पूछना पड़ गया। चलो इसको खाते हैं। और तो गाइज हमने जो ऑर्डर किया था वो आ चुका है, जैसा कि आप देख सकते हो अमेरिकन कॉर्न, बेबी कॉर्न, मशरूम, चिकन वगैरह ये सब कुछ इन्होंने मंगा दिया था। मेरा तो सूप भी ख़त्म नहीं हुआ था और बट मैंने सब कुछ धीरे धीरे एक साथ ख़त्म किया, अभी आपको देखने को मिलेगा आगे। आप देख सकते हो मेरा सूप भी फिनिश नहीं हुआ था, क्योंकि जब ये सब कुछ सामने आ जाता है ना तो फिर मैं सब कुछ एक साथ मिक्स करके खाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे, है ना? तो या आई होप आपको वीडियो जो है अच्छा लग रहा होगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर ज़रूर करना गाइस। गाइस मेरा डिनर हो गया है और अब मैं जा रही हूँ नीचे घर। क्या खा रही हूँ? गुलास में जो सौंफ होता है ना वो है। गाइस नीचे फ्लोर पे आने के बाद मैंने सोचा चलो एक दो सेल्फी लेते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे बैठी सोची एक दो सेल्फी लूँ, तो मेरे हस्बैंड ने कहा अपने पीछे बैकग्राउंड देखो, बैकग्राउंड नहीं सॉरी अपने नीचे एक छोटा सा पॉन्ड है उसको देखो, उसमें बहुत सारी फिश है। तो मैंने कहा वाह, सच में आप देख सकते हैं गाइस, इस मतलब जब मैं एंट्री कर रही थी तो मैंने इसे ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मैं उतर रही थी तो मेरे हस्बैंड ने इसको बताया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और आप देख सकते हैं छोटा सा पॉन्ड की तरह है ये, इसमें जो फिश है उसको देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने और भी शॉर्ट वीडियो बनाए हैं इसके, बट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा क्लिप ऐड किया है। मैं वीडियो बना ही रही थी तो मेरे हस्बैंड आगे निकल गए, तो फिर मुझे वीडियो जल्दी जाना पड़ा, नहीं तो मैं थोड़ा और वीडियो बनाती। तो या सो गाइस अब मैं घर जा रही हूँ क्योंकि मेरा डिनर हो गया है, मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया है तो मेरा पेट एकदम भर गया है।
बाथरूम में। सो गाइस जब मैं यहाँ से निकल रही थी तो मैंने सोचा चलो एक स्लोमो वीडियो बनवाते हैं अपना। तो बस एक छोटा सा एक क्लिप है मेरा स्लोमो वीडियो का। और फिर इस तरह से हम आ गए हैं अपने घर। तो गाइस ये मेरा जो कॉलोनी है ये इसी फ्लैट में हम लोग रहते हैं, ठीक है। तो बस अब हम यहाँ पे अपना गाड़ी को पार्क करेंगे, फिर घर जाएंगे, फिर देखो आगे ब्लॉग में क्या होता है ना। हम लोगों ने मार्केट में क्या ख़रीदा वो भी आपको पता चलेगा, क्योंकि वो क्लिप मैंने ऐड नहीं किया है, एक्चुअली रिकॉर्ड भी नहीं किया था, है ना। और फिर ये देखो गाइस बोझा ढोता हुआ मजदूर सॉरी पति हालत देखो इनकी, थोड़ी शक्ल दिखा दो अपनी तो गाइज अब हम आ गए हैं लिफ्ट के अंदर और लिफ्ट बंद होने वाला है और उसके बाद हम अपने पहुंच जाएंगे अपने फ्लोर पे। और फिर थक गए बहुत, मैं वाकई में बहुत ज्यादा थक गई थी तो गाइस घर में घुसने के बाद ये पति देव लोग का काम होता है कि जो भी सामान लाते हैं बस कहीं भी रख देते हैं, और हम लोगों का काम होता है उसको समेटना। तो बस हम लोगों ने मार्केट से क्या ख़रीदा वो हम लोग स्पेशली फ्रूट्स के लिए ही गए थे एक्चुअली, फिर हमने सोचा डिनर भी कर लेते। तो गाइस ये पाइन एप्पल जो है मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब उनका फेवरेट है। और ये सारे फ्रूट्स हैं, अगर हम फ्रूट्स लेने जाते हैं मतलब पाइन एप्पल तो हमारे यहाँ आता ही आता है, है ना। तो कुछ इस तरह से हमने मार्केटिंग की। सो गाइज फाइनली एज यू कैन सी मैं घर पे आ गई हूँ और अब ब्लॉग को यहाँ पे मैं एंड करती हूँ, क्योंकि हमारा डिनर वगैरह तो आपको पता ही है मैंने हम लोग कर लिए हैं, कुछ करना नहीं है। और ये जो मैंने फ्रूट्स लेके आई थी जो आप लोगों ने वीडियो में देखा था उसको मैं अभी थोड़ा सा ठिकाने लगाऊंगी ठिकाने का मतलब उसको वॉश करूंगी, वॉश करने के बाद उसको मैं फ्रिज वगैरह में रखूंगी। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि मेरा ये डिनर ब्लॉग जो वीडियो था वो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके जरूर बताना, तो मैं और भी आगे कोशिश करूंगी कि और भी अपने वीडियोस बना के लाऊं, आई मीन ब्लॉग बना के लाऊं, और घर का भी कुछ कुछ ब्लॉग बनाऊंगी। अगर अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना, तो मैं जरूर ऐसे नए नए वीडियो जो है ब्लॉग जो है बना के पोस्ट करूंगी। आप लोग को मजा बहुत आने वाला है और आएगा भी, ठीक है। तो ये मेरा पहला ब्लॉग था डिनर ब्लॉग, तो आई होप अच्छा ही है, अच्छा ही लगा होगा आपको। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय।